नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ भी देखने वाले हैं। तो जो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि नई खबर आती हुई दिखाई दे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए, उसके ऊपर नज़र डालेंगे। उसके पहले यहाँ पे आज देख सकते कि स्टॉक तकरीबन 1% तक तेज़ी दिखा रहा है। सुबह में ओपन होते स्टॉक 170 के करीबन हुआ ओपन और 170 के ऊपर सस्टेन भी नहीं हो पा रहा है। तो 170 लेवल जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट होती हुई दिखाई दे रहे। अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं तो स्टॉक 170 को ब्रेकआउट दे सकता है। तो न्यूज़ के ऊपर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज़ अनाउंस इट्स प्लान टू एस्टेब्लिश अ जॉइंट वेंचर विद पैनासोनिक एनर्जी ऑफ जापान फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने तकरीबन यहाँ पे जो जापान का जो जॉइंट वेंचर है यहाँ पे पैनासोनिक एनर्जी, उनके साथ यहाँ पे आप देख सकते कि प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे जॉइंट वेंचर किया है, प्लान किया है। तो क्या यहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले फॉलोइंग द साइनिंग्स ऑफ हेड्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन January 21 विच हैज़ अ प्रिलिमिनरी नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट that outlines the key points of a tentative sales partnership or other agreements the companies have now signed a binding sheet to establish a framework for the joint venture according to the filing the company aim to finalize the specific of their partnership by this summer ए समर में यहाँ पे आप देख सकते कि फाइनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते थी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए। तो रिसेंटली स्टॉक 170 के ऊपर जब सस्टेन होगा तो ऊपर जाने के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं इस स्टॉक के अंदर।